भारतीय रेलवे के 166 साल के लंबे इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब इस साल किसी भी यात्री की जान नहीं गई है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करते हुए ये दावा किया कि इस साल एक भी यात्री की मौत नहीं हुई है, यानी भारतीय रेलवे के 166 साल के इतिहास में 2019-20 जीरो पैसेंजर डेथ का गवाह बना है। भारतीय रेलवे डेटा के मुताबिक रेलगाड़ियों की टक्कर, ट्रेनों में आग, रेलवे क्रॉसिंग और पटरी से उतरने के हादसों में पिछले 48 साल की तुलना में 95% से ज्यादा की कमी आई है। सुरक्षा की दिशा में इसे रेलवे की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। आपको बता दें, रेलवे को बेहतर और आधुनिक बनाने और यात्रियों के सुरक्षित सफर के लिए बड़े बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि रेलवे के ट्रेन एक्सीडेंट भी कम हो रहे हैं। जहां हवा से बात करती वंदे भारत एक्सप्रेस और यात्रियों के सफर को आसान करती हमसफर एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें पटरी पर दौड़ रही हैं, तो वहीं रेलवे के इतिहास में पहला वित्त वर्ष साल 2019-20 अब तक का सबसे सुरक्षित गुजरा है। अब तक 9 महीने गुजर चुके हैं और एक भी पैसेंजर की मौत रिकॉर्ड में नहीं आई है। ये एक रिकॉर्ड है। एक दूसरे ट्वीट में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि रेलवे सेवाओं के एकीकृत होने से रेलवे की सुविधाओं, कार्यशैली और फैसले लेने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण सुधार आएगा। यानी आने वाले वक्त में भी पीयूष गोयल ने ये कहा है कि रेलवे को बेहतर बनाने के लिए लगातार वो प्रयासरत है। न्यूज़ के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें दिल्ली 99।